टुडे इज 21 जैन 2023 और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखते हैं आज क्या खास है इस ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 14:15 और तैयारी हो रही है हमारे घर में खाने की। ओ गुन्ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। तो आज हमारे घर के मेन्यू में है दाल, इधर दूध का सिस्टम है, बाकी आई थिंक आज दाल चावल रोटी होना है। हाँ माँ दादी, गुन्ना अम्मा के लिए रोटी दाल में गला देना, ठीक है। और अभी हम देखते हैं हमारी मोम श्री क्या कर रही है। अच्छा क्या ना, मम्मी धूप सेक रही है, और सबसे बड़ी बात क्या ना, हमारी मम्मी बागेश्वर बाबा की बहुत बड़ी फैन है। तो अभी उनके साथ जो भी हुआ है, जो चल रहा है, जो मीडिया उनके ऊपर फैल चुकी है बुरी तरीके से कि कैसे होता है, कैसे पर्चियाँ लगती हैं, क्या सीन है उनका, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो मम्मी कह रही है कि सब फेक है, मीडिया बोल रही है कि शायद ये पंडित जी पता नहीं कैसे करते हैं, बागेश्वर बाबा कैसे करते हैं। तो अभी उसके पीछे कुछ नहीं मालूम पड़ पा रहा है, तो मम्मी वही गहन अध्ययन कर रही है कि क्या सच्चाई है, बाबा सही हैं नहीं। लेकिन जितना मेरा मानना है, मुझे लगता है कि हाँ भाई बाबा सही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी उनके दो चार चमत्कार देखे, उस हिसाब से लगता है कि भाई अभी देखो, अब अम्मा भी आ गई हैं, अब अम्मा और मम्मी, अब पूरा एक तरीके से उनकी डिबेट चलेगी क्या सही क्या गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से बाबा ठीक है। अभी मीडिया क्यों ऐसा कर रही है, अपनी TRP के लिए कर रही है, क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया है ना, वो पीछे पड़ी जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, होप सो बेस्ट, सब अच्छा ही रहे, लेकिन जितना हमें लगता है बाबा ठीक है। और बाकी अब पता नहीं, वाकई में हो सकता है उनके पास करिश्मा हो या चमत्कारी शक्ति हो, आई डोंट नो, लेकिन अब तो भाई ईश्वर ही जानता है क्या सही क्या गलत। बाकी अब जो भी अच्छा रिजल्ट होगा वो सामने मिल जाएगा, लेकिन लोगों का क्या है, वो अच्छा भी कहेंगे गलत भी कहेंगे, अब फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब के तब देखे जाएंगे। लेकिन ये बात तो है भाई, इस वक्त पूरी मतलब मीडिया में यही बाबा बागेश्वर का ही चल रहा है। अच्छा गुन्नू, तुमको क्या लगता है बाबा बागेश्वर का? सही है बाबा बागेश्वर, और क्या है ना भाई, मीडिया कैसे पीछे पड़ी हुई है उनके ना। तुमको भी ठीक ही लगता है ना? हाँ मैं भी ठीक ही लगते हैं, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट तो ऐसे कुछ पता नहीं कब क्या है। बाकी भाई, तो सीन ऐसा है कि अब थोड़ी सी गर्मी आ गई, तो चीज़ें थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है, बैग में से ही सब इधर ही पड़ा हुआ है, और अभी बुकिंग नहीं हुई है। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे ना रोस्टर का, तो भाई देखो अब क्या है, इस वक्त हमारा रोस्टर ठीक चल रहा है, 24 के अप्रॉक्स चल रहा है, मतलब आप कहो तो 22+2 यानी 22-23-24 घंटे के आसपास है, तो थोड़ा टाइम है। तो आज भाई सब लोग आराम से धूप सेक रहे हैं, बैठे हैं, अब खाना वाना खाएंगे। और आज आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई करूँगा भाई, जैसे लास्ट टाइम जब मैं रूम में था, मैंने आप लोगों से बात किया था, भाई आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं, आप लोगों ने बताया, मैंने देखे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब रिप्लाइज करूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई एक साथ हो, वरना होगा ना कि जैसे मान लीजिए कोई एक रह गया, कोई छूट गया, वो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो इसी वजह से अब आज थोड़ा टाइम है, अभी बस खाना वाना खाने के बाद देन उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को करूँगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे भैया अब नहाए नहीं है ना, कि हाँ तो पहले मैं प्लान कर लेता, पहले मैं नहाऊँगा फिर खाना खाऊंगा, और उसके बाद फिर शाम के आपको ड्यूटी लगेगी। बाकी अभी संजय भैया का फ़ोन आया, हमारे गार्ड साहब हैं, वो अभी एक हमारे सैपो मॉल है, वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं सामान वामान लेने, तो हो सकता है मैं थोड़ी देर में उनके पास चला जाऊँ। और बाकी छोटी बहन हमारी मथुरा गई है, प्री वेडिंग शूट है, वो आज शाम को यहाँ आ जाएगी, लेकिन उसका एक्टिव ये खड़ा हुआ है, बाकी मेरी नूना ये खड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी अब थोड़ा ठंड कम हो गया है जिस तरह से चल रहा है, तो अब ठीक है। लेकिन जो बीच में जो ठंड थी ना, वो जैन का जो स्टार्टिंग था ना, बाप रे बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अब ठीक है, धूप भी निकल रही, अच्छी सारी चीज़ें हैं प्लस। और दूसरी बात क्या, मैं बता रहा हूँ ना भाई, लोगों ने बहुत मैसेजेस किए, बहुत कमेंट्स किए, कौन कहाँ से कैसे मैंने देखे हैं, लेकिन अब रिप्लाई नहीं किया, फिर से बोल रहा हूँ मैं, आज रिप्लाई करूँगा। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिल गए, सब लोगों की बातें जान के, आगे भी होप ऐसे टच में रहेंगे, है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी दिन ऐसा हो कि इसमें वीडियो मिस हो जाए, तो कुछ ना कुछ मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, बातें करता रहूँगा, कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, है ना। और जितना होगा कुछ, अभी देखिए अभी क्या है ना, अभी आप लोग का जो अपना 2019 वाला बैच है, ठीक है, अभी वो प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी आप सब लोग भी आएंगे, ठीक है। और अभी हमारे कुछ LDC वाले थे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते, उसके कुछ ट्रेन मैनेजर्स आ गए, जिसके सब रोस्टर ठीक है। तो
वो लोग भी, उन लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, उसमें से काफी लोग सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, तो बोलते हैं सर हम आपकी वीडियोस देखे। मैंने कहा बाप रे, मुझे बड़ा सही लगता है ना जब सब लोग आते हैं इतना प्यार देख के। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अभी रिसेंटली गाँव गए थे, वो आपको पता ही है, आप लोग मैसेज देखे, दिल से आप लोगों के लिए शुक्रिया कि आपने मैसेज किए, प्लस उसके रिप्लाईज कमेंट्स काफ़ी रहे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और ऐसा ज़्यादा कुछ खास आज है नहीं, बस ये था कि भाई आप लोगों से बातें बातें करना, प्लस बस यही है। तो फिलहाल इसको क्या एक मिनट क्या आप मेरी जैकेट पहने? ओह यार तुमने लाइव बोल दिया गुन्नू, लाइव। ओह माय गॉड, चलो ठीक है। अब भाई कर नहीं 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 एडिट नहीं होगा गुन्नू, देखो वो ब्लॉग ही क्या जितनी चीजें एडिट हो, जो रियलिटी, देखो ब्लॉग में मतलब होता है रियलिटी, और रियलिटी ही आनी चाहिए जैसा भी है। तो भाई ये बात तो सही है, ये जो जैकेट एक्चुअली गुन्नू की है, ठीक है। अब सीन क्या था, मेरे पास कुछ पहनने को नहीं था तो मैंने इसको ही डाल लिया, और अब भाई ये तो देखो हाथ भी छोटी आ रही है ना, अब आप समझ जाइए गुन्नू की है। मेरी है। नहीं मैं सोच रहा था ना कि थोड़ा ठीक लगेगा इसमें, क्योंकि ये फर वर है, लेकिन मेरी एक ऐसी जैकेट है, ठीक है, ऐसी नहीं है वो, ऐसी चेक में है, आपको पता होना, पता होना चाहिए, जो मैंने अभी पहनी नहीं है वो पता नहीं शायद मेरे सामने बेइज्जती होगी तो कॉपी बेइज्जती वैसी कुछ नहीं भाई, ठीक है, अगर पत्नी कुछ चीज बोलती है तो बेइज्जती वैसी नहीं होती भाई। अब वो तीन चीज और बोलते फिर? नहीं 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 यार, नहीं यार, आज के लिए इतना ही काफी है, ज्ञान काफी है भाई। देखो वाइफ कुछ भी कहे सब सही है। तो दोनों भी खाने की देर बन रहा है, बस तैयार। अच्छा चलो खाना भी तैयार हो गया, अब खाना वाना खाते हैं। ये भाई गुन्नू की जैकेट है, अब ये बता देंगे कि भाई प्लीज कोई ये मत समझना भाई, हमारे गुन्नू कुछ अलग नहीं है, क्या गुन्नू? सही बात है, पति पत्नी का एक ही होता है, तो आज से हम भी आपको पहनेंगे। अरे भैया हमारी जैकेट तुम्हारे नहीं आएगी। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, और ठीक है फिर अब मिलते हैं फिर नए ब्लॉग नई स्टोरी के साथ। गुन्नू चलो ब्लॉग एंड करो, फिर खाना वाना खाएंगे और फिर जाएंगे दोस्तों से बात करेंगे, संजय भैया भी आगे उनको जाएंगे, तो आओ जरा ब्लॉग एंड करते हैं। कहाँ गए वो? नहीं भी वो बाहर है, सैपो मॉल है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग नई स्टोरी के साथ, तब तक मेरी सरकारी मुद्दों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार नमस्कार।